अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में है। तो गाइस फाइनली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, सीन सारा ये है टूरिस्ट बहुत कम है फिलहाल अभी यहाँ पर, तो और तकरीबन चिकन वगैरह फिश वगैरह जो है आप चाहें वो ले सकते हैं। बट तो गाइस फिलहाल इस वीडियो का शुरुआत हो गया है हमारा यहाँ से, और ऐसे में हम तकरीबन अभी देखते हैं कुछ खाना वाना लेकर आते हैं, कितना एक्सपेंसिव है कितना नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम आपसे लगातार शेयर करेंगे। बट खाना किस तरह का बेस्ट है और किस तरह का नहीं है, और यहाँ पर जो मैं रुका हूँ मैं लोकेशन तकरीबन में भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बट डेफिनेटली बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ। माल रोड पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर जामा मस्जिद एक पास में, जामा मस्जिद की बैक साइड में हम आएंगे तो डेफिनेटली हमारे को यहाँ पर ईजिली होटल मिल जाएंगे, और सस्ते से सस्ता आपको होटल मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा, बाकी जो आपको सूटेबल करे बेस्ट लगे। तो चलो देखते हैं भाई अभी खाने का क्या है क्या नहीं, और खाना किस तरह का यहाँ पर होने वाला है तो वो स्पेशल हम आपसे शेयर करेंगे। यार लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन अभी से दबा दीजिए बस। तो गाइस फाइनली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, टूरिस्ट बहुत कम है फिलहाल अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, बाकी देखते हैं माल रोड पर क्या सीन निकल कर आता है पूरा नीचे। अभी तो फिलहाल हम ऊपर हैं थोड़ा सा माल रोड के, नीचे जाकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है और कितना टूरिस्ट है कितना नहीं है, सब चीज़ें शेयर करता हूँ यार, बने रहो बस मेरे साथ आप। तो भाई अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में है, और ढेर सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट है, तो डेफिनेटली अगर आप नैनीताल आ रहे हो और आपको स्वाद लेने तो ये ज़्यादा बेस्ट है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो भाई मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी बिरयानी से लेकर के वेज और तकरीबन चिकन वगैरह फिश वगैरह टू सेट जो आप चाहें वो ले सकते हैं। बट मैं ये तो रिकमेंड करूँगा, देखो भाई चिकन लगा हुआ है फिलहाल, मुँह में पानी आ रहा है और भूख ऐसी लग रही है कि बस ज़बरदस्त किसी की तरह से खाने को मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स हैं जामा मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड में हैं, तो अभी देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस क्या होगा, और जितना खाना होगा उसका स्वाद आखिरकार हम चेक करके बताएंगे कैसा है। थक गया भाई, क्योंकि माल रोड की चढ़ाई मार देती है, गाड़ी से नहीं गए थे हमने कहा चलो पैदल निकल लेते, हम ज़्यादा बहादुर बन रहे थे, तो थक गए, खाना ले लिया है बिरयानी चिकन बिरयानी और वेज सब्ज़ी तंदूर रोटी विद बटर, मिल गया सस्ता मंदा 300 रुपये में तक में मिल गया, बेस्ट है नहीं, हाँ इतने में मिल गया 300 में। तो फाइनली अब रूम में आ गए हैं, और आने के बाद अब देखते हैं भाई यहाँ का टेस्ट कैसा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है टेस्ट, चलो आज आपको टेस्ट से लगा रहे कराएं भाई, खोल के बताएं पहले ये है क्या। वैसे मैंने आपको बता दिया, बाकी इसकी रंगत से पता लग जाए कि हमारा खाना आखिरकार कौन सी क्वालिटी का है। खोलो भाई देखते हैं हम कौन सी क्वालिटी का हमारा खाना है, और भूख तो लग रही है भाई बहुत ज़्यादा, और उतना ही थक गए क्योंकि हम ज़्यादा बहादुर बनना है, तो हम सीने के पैदल निकल जाएंगे फटे के हाथ में आ गए। चलो कोई नहीं यार, इतना तो चलता ही है, थोड़ा सा पेट्रोल वेट्रोल भी सेव करते रहो, बहुत महंगा हो रहा है वैसे भी दिल्ली में। तो चलो देखते हैं भाई खाने की ओपनिंग हो रही है, देखो चलो फिलहाल ओपनिंग करके दिखाते हैं आपको कि आखिरकार इसका लुक कैसा दिखता है लुक। अरे भाई चलो खाने की चीज़ें देखते हैं फिलहाल, खाना हो गया भाई रेडी, ये सब्ज़ी मिक्स वेज और ये अपनी बिरयानी और रोटी वोटी सब उसके अंदर रखी है, बाकी अभी मैं इसको खाने वाले हैं और इसका टेस्ट देखने वाले हैं कि है कैसा भाई। तो चलो मैं बताता हूँ आपको खा के कि आखिरकार टेस्ट इसका आ कैसा रहा है। तो फाइनली हमारा खाना है भाई रेडी, और ये पनीर वनीर की सब्ज़ी मिक्स है, मुझे लग रहा है कि भाई सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत टेस्ट, चलो खा के देखते हैं, बेकार मज़ा आ गया। ये हमारी बिरयानी, बाकी सब्ज़ी प्याज वगैरह जो ऐसा दे दीजिए, बिरयानी मुरादाबाद ये बिरयानी देखते हैं कैसी, क्योंकि बिरयानी के बाद दो तरह की थी, एक थी मसाले वाली और दूसरी मुरादाबादी, मैंने कहा भाई मैं डिफरेंट गया कुछ नहीं भाई, तो थोड़ी सी मिर्च है बाकी है मुरादाबादी नाम से लिखती है, सही है भाई सही है, अभी तक तो बढ़िया है, पेट भर रहा है भूख लग रही थी बहुत, तो खा लें फिर उसके बाद मिलते हैं आपको, और मुझे बताइएगा भाई किस किस का दिल ललचाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको पैक करा के वैसे भेजने वाला हूँ, बता देना बस मुझे आप प्लीज़।
तो फाइनली भाई सनसेट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त सनसेट पड़ रहा है। और खाना वाना हमने खा लिया है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, थोड़ा बहुत खाना बजिया हमने रख दिया, हमने चलो शाम हमने देख लेंगे, अगर मौका लगा तो खा लेंगे। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब खाना फेंकना नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें हमें स्पेशल ख़ास तौर से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाय द वे अभी थोड़ा सा गैलरी का व्यू देखो, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, और मतलब ये मानो कि पूरा वहाँ तक का जो व्यू है और जो सनसेट की जो किरणें पड़ रही हैं वो बहुत ऑसम लग रही हैं देखने में। अगर मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊँ तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा एनिमेशन वीडियो मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं छोटा सा ट्राई वीडियो। यहाँ पर एक खासियत बात ये है कि सबसे बेस्ट है कि ये माल रोड पर है, बिल्कुल मेन रोड पर हमने ये होटल जो है वो लिया है। तो सक्सेसफुली अब हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक खाना पीना जो भी इंजॉयमेंट करना है, तो वो हम सीधे सीधे होटल से नीचे उतर के कर सकते हैं। मतलब होटल हमने ऐसा नहीं लिया कि भाई बहुत अंदर ज़्यादा घुस कर और ज़्यादा अंदर जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद सीधे नीचे माल रोड पर हम जा सकते हैं और माल रोड पर पूरा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो माल रोड का सारा हम नज़ारा आपको स्पेशल कुछ टाइम के बाद दिखाएंगे, यानी कि मेरे ख्याल से आने वाली वीडियोस के अंदर आपको माल रोड का नज़ारा मिलेगा, और जो नाइट माल रोड का नज़ारा है वो मैं आपको स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। मगर फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पर ही इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि आज हमने टोटली खाना वाना खाया और मैंने आपको बता दिया कि खाना यहाँ पर सही रेट पर मतलब मिल जाता है और मतलब बेस्ट है, आपको अच्छा लगेगा खाना। स्पेशल आप चाहो तो बिरयानी खा सकते हो, चिकन चिल्ली है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर आइटम्स हैं खाने के लिए जो आप स्मूथली खा सकते हो, जो बेटर हमारे लिए रहती है। स्पेशल सनसेट अभी जो है वो बहुत तेज़ पड़ रहा है, मुँह पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा फ़ोन का व्यू, तो जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है वो कैप्चर करने की। और स्पेशल अगर मैं यहाँ पर मैं बताऊँ ठंड, तो अभी तकरीबन 12 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बट रात में अभी जो मैंने एक दो से पूछा तो रात में तकरीबन जाते जाते वो टेम्परेचर 6 डिग्री के करीब हो जाएगा। तो स्पेशल अभी ये है नैनीताल का मौसम, और 28 फरवरी का ये जो है वो दिन है, संडे, स्पेशल संडे में यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा बाय द वे हम जो माल रोड का एंजॉयमेंट करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर व्यू, मगर इस वीडियो को फिलहाल हम करते हैं यहीं पर ही एंड। और अगर आपको यहाँ पर खाना वाना खाना हो तो मैं यही सब रिकमेंड करूँगा आपसे कि आप ईज़िली यहाँ जामा मस्जिद के पास में खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, नॉर्मली खाना होता है और टेस्ट आपको पूरा भरपूर मिलेगा। इसके अलावा बाकी आप कोई रेस्टोरेंट में बैठेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो होते हैं उसके अंदर खाना हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता, वो सब मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, बट उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं खाना यहीं से खाना है, क्योंकि मैं एक बार लिया था, मैंने मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आना होगा तो डेफिनेटली हम यहीं से ही अपना खाना वाना कर लेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि भाई वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक एक बनता प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।